जय श्री राधा कृष्ण। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न समझे कोई, राधा कृष्ण सा अमर प्रेम हो, ऐसा प्रेम करे न कोई। जन्मों की जो दूरी सहे, क्या ऐसा है अब कोई। अब तो पल में विश्वास डहे, प्रीत न सच्ची कोई। मेरे राधा कृष्ण सा अब जग में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो ये बात तो सच है कि जिसके प्रेम में समर्पण का भाव होता है, उसकी जिंदगी में खुशियों का आगमन उतनी ही तेजी और शीघ्रता के साथ होता है। क्योंकि जब हम अपने आप को पूरी तरह से अपने लाला, अपने गिरधर, अपने प्यारे कान्हा को और अपनी लाडली सरकार को समर्पित कर देते हैं, तो वो हमारे जीवन की डोरी को कसकर पकड़ लेते हैं। फिर हमारा कुछ नहीं होता, सब राधा कृष्ण का होता है। पर समर्पण की भावना होनी निस्वार्थ चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और इसीलिए अपने बांके बिहारी जी को, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए और अपने जीवन में खुशियों का आनंद लीजिए। इसी बात पे एक जगारा तो बनता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम जिस भक्त के अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनका नाम है देवेंद्र गोस्वामी जी। देवेंद्र गोस्वामी जी आबू रोड राजस्थान में रहते हैं। देवेंद्र जी का परिवार बहुत धार्मिक है। घर में माता पिता, बड़ी बहन और बड़े भाई के साथ देवेंद्र जी बड़ी लगन और भक्ति भाव के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करते हैं। देवेंद्र जी परिवार में सबसे छोटे हैं। उनकी बचपन से ही पूजा पाठ में विशेष रुचि रही है, क्योंकि पूरा परिवार ही भगवान की सेवा में लगा हुआ था। 11 साल की उम्र में एक बार देवेंद्र जी अपनी माँ के साथ भागवत कथा सुनने के लिए गए। उस कथा में उस दिन जो प्रसंग चल रहा था, वो कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया जा रहा था, जिसमें कान्हा जी की छोटी छोटी बड़ी मनमोहक और प्यारी बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा था। बाल लीलाओं में तो बच्चों को वैसे ही बड़ी विशेष रुचि रहती है। देवेंद्र जी ने भी उस दिन बड़ा मन लगाकर भागवत कथा का आनंद उठाया। वहां कथा पंडाल में सभी सुनने वाले अपने कान्हा जी की कथा को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कथा को पूरा सुनकर देवेंद्र जी का मन जैसे भक्ति में पूरी तरह से डूब ही गया था, पूरी तरह से लीन हो गया था। अब तो कान्हा जी की तरफ उनको एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा था, और ये कान्हा की ही कृपा थी जो वो उस कथा में जा पाए, वरना उस दिन उन्हें कहीं और जाना था। पर शायद कान्हा उन्हें अपनी सेवा, अपनी भक्ति देना चाहते थे, अपना प्रेम देना चाहते थे, तभी इस तरह से उनका कथा में जाना हुआ। और कथा सुनकर इतना भाव विभोर हुए, इतना अधिक भाव विभोर हुए कि क्या ही बताऊं। देवेंद्र जी का ननिहाल मथुरा में ही है, इसी वजह से कृष्ण जन्म भूमि के दर्शन उन्होंने कई बार किए हैं। क्योंकि ज़्यादातर होता था छुट्टियों में जब भी वो ननिहाल जाते थे, तो मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि में सब परिवार हाजिरी ज़रूर लगाते थे, लेकिन वहाँ आसपास के बाकी मंदिरों के दर्शन उन्होंने कभी नहीं किए थे। 2019 में जब देवेंद्र जी कॉलेज में सेकेंड ईयर में थे, तो उनकी बड़ी बहन की शादी भरतपुर राजस्थान में हो गई। जीजा जी और बहन दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर थे। देवेंद्र जी की बड़ी बहन ने शादी से पहले देवेंद्र जी को 2018 में एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था, जिस पर स्क्रॉल करते वक्त अचानक से श्याम दीवानी चैनल पर उन्होंने कुछ सत्य घटनाओं को सुना, जिससे उन्हें पता चला कि बिना कृष्ण की कृपा के राधा रानी की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। देवेंद्र जी के मन में बांके बिहारी जी के दर्शनों की लालसा उन स्टोरीज को सुन सुनकर दिन ब दिन बढ़ती गई। वो हर समय मन में यही सोचते थे कि बस किसी तरह से बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाए। अब देखो ये तो सत्य ही है कि सच्चे मन से की हुई प्रार्थना को भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों का हमेशा इंतजार रहता है। 2019 में बिहारी जी की ऐसी कृपा बरसी कि देवेंद्र जी को एक बार अगस्त में और फिर उसी साल नवंबर में दूसरी बार बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दर्शन करते वक्त देवेंद्र जी को ऐसा लगा जैसे वो अकेले
पूरे बिहारी जी मंदिर में अकेले खड़े हुए हैं और बिहारी जी बस उनके सामने हैं, वहाँ दूसरा और कोई भी नहीं है। जैसे पूरा मंदिर खाली हो, सिर्फ वो और उनके बिहारी जी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। अगर आप विश्वास मानो तो बड़े बड़े भक्तों को भी ये फीलिंग नहीं आती। ज़्यादातर तो सब मंदिर के अंदर भीड़ लोगों की धक्का मुक्की की तरफ ही ध्यान देते हैं और उसी की वजह से परेशान होते हैं और उसी की कंप्लेन करते हैं और उसी पर लड़ते भी रहते हैं। पर देवेंद्र जी को वहाँ मंदिर में खड़े होकर ऐसा भाव आया, यही बात अपने आप में एक चमत्कार है। दर्शन करते समय देवेंद्र जी ने अपने लाडले बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, हे दीनानाथ, जिस तरह बांके बिहारी स्वरूप में आप और राधा जी दोनों एक ही रूप में, कृष्ण और राधा दोनों एक ही रूप में भक्तों को सेवा का मौका दे रहे हो, अपने दर्शनों से आँखों को आनंदित कर रहे हो, वैसे ही आप मेरे घर भी दोनों रूपों में आना और हमें सेवा का प्रेम का मौका देना। उनके मन में ऐसा विचार क्यों आया, इससे देवेंद्र जी को बहुत आश्चर्य था और वो सोच रहे थे कि उनके मन में ऐसा भाव क्यों आया, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया था। मतलब जब भी देखो हम बिहारी जी के सामने कोई प्रार्थना करते हो, पहले से हमने सोच के रखी होती है, बट अचानक से उनके मन में ये भाव क्यों आया और उन्होंने वो क्यों बोला, उनको नहीं पता था। पर वो कहते हैं ना, ब्रज के रस को जो चखे, चखे ना दूसरा स्वाद, एक बार राधा कहे तो रहे ना कुछ और याद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो मेरे नटखट नागर अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा तो करते ही है। अब बताती हूँ देवेंद्र जी की इच्छा पूरी कैसे हुई। तो हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद में देवेंद्र जी की बड़ी बहन, जिनकी शादी 2019 में हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी। देवेंद्र जी अपनी बहन के कमरे में लगाने के लिए कान्हा की एक प्यारी सी बड़ी सी तस्वीर लेकर आए। दूसरी तरफ उनके जीजा जी भी एक राधा प्यारी की बड़ी सी तस्वीर लेकर आए और दोनों तस्वीरें कमरे में लगा दी गई। 20 सितंबर 2020 को सुबह 7 बजे उनकी बहन ने एक बड़ी प्यारी सुंदर सी बेटा और एक बड़े प्यारे सुंदर से बेटे, मतलब ट्विंस को जन्म दिया। देवेंद्र जी ने जब बच्चों को गोदी में उठाया तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कान्हा उन्हें कह रहे हैं कि देखो तुमने मुझे दोनों रूपों में आने के लिए कहा था, सो हम आ गए। और देखो जब दोनों फोटो लाए गए थे तब किसी को भी आइडिया भी नहीं था कि देवेंद्र जी की बहन को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। जब पंडित जी ने उनका नाम निकलवाया गया तो र अक्षर पे ही नाम आया, इसलिए बेटे का नाम राव्यांश और बेटी का नाम राधा रखा गया। जब वो दोनों छोटे थे, मतलब समझो सिर्फ कुछ महीनों के, तभी वो कान्हा जी की फोटो को देखते रहते थे और ऐसा लगता था जैसे वो कुछ बातें कर रहे हों। सभी उन मासूमों को देखकर बहुत हंसते थे। जब से वो, मतलब समझो आए हैं, तब से घर में ऐसी खुशियां, ऐसा आनंद छा गए, क्या ही कहूँ। इसके बाद देवेंद्र जी एक बार अपने मामा के बेटे के साथ गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए गए। तो अचानक ही, मतलब प्रोग्राम सिर्फ इतना था कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे और घर वापस, पर अचानक के मन में भाव आया क्यों ना राधा रानी के दर्शनों के लिए बरसाना जाए। देवेंद्र जी ने अपने मन की बात अपने मामा के बेटे से कही तो वो भी चलने के लिए तुरंत ही राजी हो गया। पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि बाइक एक थी और जाने वाले 3 लोग थे। रास्ते में पुलिस मिले, चलान कटे या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती थी, तो मन में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, दुविधा थी, क्या करें। फिर देवेंद्र जी ने एक बार मन ही मन अपनी राधा प्यारी को याद किया, प्रार्थना की और कहा, चलो चलते हैं भाई, जो होगा राधा प्यारी देखेगी। वो तीनों एक ही बाइक पे निकल पड़े। रास्ते में गोवर्धन जी से बरसाना आने में रास्ते में पुलिस भी मिली, पर किसी ने ना रोका ना टोका, कुछ भी नहीं कहा। रास्ते का बड़ा आनंद लेते हुए वो लोग आराम से बरसाना पहुंच गए। जब वो अपनी बाइक को पार्किंग में लगा रहे थे तो बाइक पार्किंग वाले ने कहा कि दर्शन बंद होने वाले हैं, बहुत कम समय रह गया, तुम लोग बाइक लेकर ही सीधा ऊपर ही चले जाओ। वो तीनों बड़े मज़े से बाइक लेके सीधा ऊपर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने बहुत सुंदर दर्शन किए, कुछ आंखों में बातें हुई, आरती हुई, छींटे मिले और तुरंत ही पटबंद हो गए। वो कहते हैं ना, जब राधा रानी की कृपा बरसती है तो वो अपना खजाना खोल ही देती है अपने भक्तों के लिए, है ना। और दर्शनों के साथ उन्हें वहाँ उस दिन महाप्रसाद भी मिला, साथ ही एक श्रृंगार सामग्री भी मिली। इसलिए कहते हैं
अपने अंदर समर्पण का भाव लाओ। रिझाते रिझाते जीवन बीता, रीझे ना तुम शाम, एक पल में ही रीझ गए जब मुंह से निकला राधा नाम। बोले बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देवेंद्र जी के पास एक प्यारे से नटखट से लड्डू गोपाल जी भी हैं। देवेंद्र जी बड़े ही मन से उनका श्रृंगार सेवा करते हैं और पिछले 4 सालों से वो एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं। वो अपनी भक्ति को अग्रसर करने में श्याम दीवानी चैनल का भी बड़ा सहयोग मानते हैं, जिनके लिए हम उनका दिल से आभार करते हैं। ये हमारी इस छोटे से प्रयास के आगे अगर किसी के जीवन को रोशनी मिले और भक्ति का सही मार्ग मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व की बात है। और ये जो हमने श्याम दीवानी चैनल की मुहिम चालू की थी उसका मकसद ही ये था, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरह हमारा साहस बढ़ाते रहिए, हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।